शरद चंद्र पवार एनसीबी के, एनसीबी शरद चंद्र पवार के, नीलेश भोसले साहब एडवोकेट, नीलेश भोसले साहब। भोसले साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस सर ऑल गुड। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। तो जो अभी अभी बातचीत हो रही थी कि भाई बीजेपी तो सिर्फ 3 सीट दे रही है अजीत दादा पवार के एनसीबी को, सिर्फ 3 सीटें मिल रही है, बाकी कुछ नहीं बोल सकते। और अजीत दादा पवार तो मतलब बारामती के ऊपर बिल्कुल उनका ध्यान वहीं पर केंद्रित है, पूरा फोकस वहीं है, सारे पोस्टर लग गए, ना जाने क्या कुछ हो गया वहाँ पे। सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि भाई मेरी फैमिली के बारे में आप मुझसे कुछ मत बुलवाइए, बारामती के लोग मुझको जानते हैं, मैंने यहाँ पे क्या काम किया है हर एक कोई जानता है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतेगा यहाँ से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे भोसले साहब, बताइए। देखिए अजीत दादा को 3 सीट देके बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है जी कि हम आपको यूज एंड थ्रो करने वाले। बीजेपी का असली मकसद ही यही था कि अजीत दादा को यूटिलाइज करना, और वो कहां पे करना, तो वो सिर्फ सुप्रिया ताई सुले के सीट पे माहौल डिस्टर्ब करने के लिए करना। लेकिन बारामती की जनता ये जानती है, महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि पवार साहब का होगा या सुप्रिया ताई का होगा बारामती के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा योगदान है। यदि आप सुप्रिया ताई का रिकॉर्ड देखोगे पार्लियामेंट का, तो उसमें एक क्लियरिटी आती है कि पिछले लगभग 7 से 8 साल से वो संसद रत्न का पुरस्कार जीत के आई है। इस साल तो उनको राष्ट्रपति महोदय के हाथ से महासंसद रत्न का पुरस्कार मिला, यानी कि वो एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन है। और ऐसे व्यक्तिमत्व को हटा के कोई अगर यंग चेहरा लाते अजीत दादा तो भी ठीक था, लेकिन अपनी ही पत्नी को अपनी ही बहन के सामने खड़ा करके कौन सी राजनीति दिखाने का विचार दादा कर रहे, ये पूरे राष्ट्र को, राज्य को और विशेषता बारामती के वोटर्स को क्लियरिटी आ गई है। इसलिए दादा का जो गुब्बारा है वो बारामती में ही सबसे पहले फूटेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में फूटेगा। लेकिन बड़ी अजीब और गरीब बात है, ये वही अजीत दादा पवार है जिनको उंगली पकड़ के शरद चंद्र पवार जी, शरद पवार जी हमारे बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, शरद पवार जी उंगली पकड़ के अजीत दादा पवार को राजनीति में लेकर आए, इनको सांसद बनाया, उनको एक एक चीज सिखाई, उनको आगे बढ़ाया। आज की तारीख में अजीत दादा पवार जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की वजह से हैं। अजीत दादा पवार ने छोड़ते वक्त शरद पवार जी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज तक कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है मेरी समझ के बाहर है। इतना गुस्सा उस शख्स के लिए जिसने आपके लिए सब कुछ किया, भोसले साहब ये क्या है, मेरी समझ के बाहर है। ये एक पुराना मूवी था, आवाज आ रही है आपको सर? बिल्कुल आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। एक पुरानी मूवी थी, वो मूवी का एक गीत था, कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूं प्रेम रोगी। वैसे आज के जमाने में कुछ नहीं भाता जब ईडी का रोग लग जाता। तो ये ईडी रोगी है। ये ईडी रोगी है। ये नहीं भाता। That's a new one, Pradeep. मगर भोसले साहब आप महाराष्ट्र, हाँ बोलिए जी, बोलिए प्लीज गो अहेड। महाराष्ट्र के कल्चर में जी आज तक जो कभी नहीं हुआ जी कि अपने पिता समान व्यक्तिमत्व को कहीं ना कहीं पे छोड़ के उन्हीं के पीठ में खंजीर मार के जाने का जो कल्चर महाराष्ट्र का नहीं है, ये फर्स्ट टाइम कल्चर महाराष्ट्र में लाके अजीत दादा ने बहुत ही गंदी शुरुआत कहीं ना कहीं की है। मैं इसके आगे चल के आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, यदि आपको याद रहेगा जी, ये शिंदे फ्रैक्शन के एक विधानसभा के सदस्य एवं आज के मंत्रिमंडल के एक मंत्री है जिन्होंने सुप्रिया ताई को गाली गलौज की थी जी। आज अजीत दादा अपनी बहन को गाली देने वाले व्यक्तिमत्व के साथ में मंत्रिमंडल में जब कैबिनेट में सीट शेयर करते हैं तो उसको कौन से आदर पूर्वक नजरों से देखते हैं, ये आज तक हम लोगों को समझने के लिए तैयार नहीं। एक रावण था जिसने शूर्पणखा का नाक काटा, इसलिए राम जी की पत्नी को किडनैप करने का काम किया। अपनी बहन को रावण ने भी उतना रिस्पेक्ट रखा था, और आज हमारे दादा है जो उनकी बहन को गाली देने वाले एक व्यक्तिमत्व के साथ में मंत्रिमंडल में अगर सीट शेयर करते हैं, तो ऐसे व्यक्तिमत्व के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा बोलना हमको लगता है उचित नहीं है। जनता जानती है, जनता बारामती की हो या महाराष्ट्र की हो, पवार साहब के साथ रहेगी, सुप्रिया ताई के साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ रहेगी। मगर भोसले साहब बार बार अजीत पवार जी और ट्रिपल इंजन सरकार बारामती को केंद्र बिंदु बनाकर अटैक कर रहा है। अभी ही नरेंद्र मोदी रोजगार योजना वहां पर हुआ और जानबूझकर
अभी इतना शरद पवार जी जैसे बड़े नेता को कभी ओमिट करे बारामती में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई कलेक्टर का हिम्मत है नहीं है, कोई किसी का हिम्मत है नहीं है कि बाय मिस्टेक शरद पवार जी का नाम इनवाइट करने में भूल जाए, शरद पवार साहब को बारामती में हो ही नहीं सकता। मगर वो हमने देखा, वो हमने देखा। उसके बाद फरोर होने के बाद पवार साहब को निमंत्रण दिया गया, तो आप इसको कैसे देख रहे हो? बिकॉज यू आर हिटिंग बारामती और ये पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है, गढ़। और आज ट्रिपल इंजन नरेंद्र मोदी वहीं पर हिट कर दिया आपको, वहीं पर हिट कर दिया। क्या इसमें बहुत ठेस पहुंचेगा पवार साहब को, शरद पवार साहब को? देखिए, जब उरी का हमला हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने पवार साहब को फोन करके बुला लिया था और पवार साहब अपने पार्टी के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थे वो सारे मीटिंग्स कैंसिल करके देश की सुरक्षा के विषय पे मोदी जी के एक फोन पे चले गए थे जी। पवार साहब वो कद रखने वाला व्यक्ति मथुआ है, और अगर उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट में कोई कलेक्टर इतनी हिम्मत दिखाता है कि राज्यसभा का सदस्य होने के बावजूद उनको एक शासकीय प्रोग्राम से इन्विटेशन नहीं देने का काम करता, तो इसके पीछे सीधे तरीके से समझ लेना चाहिए कि बीजेपी की और शिंदेगढ़ या अजीत दादा के फ्रैक्शन की कितनी हवा तंग है, कितनी दहशत है। लेकिन महाराष्ट्र में हो क्या गया है कि वो जो जो करना चाह रहे हैं या वो जो जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो हर चीज उनके अगेंस्ट जा रही है। महाराष्ट्र की जनता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जिस व्यक्तिमत्व के नाम के सिवा इस महाराष्ट्र की राजनीति का हम लोग चैप्टर या पूरे ये किताब कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा व्यक्तिमत्व आज जिस जिले में रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, आप उसको गवर्नमेंट के प्रोग्राम पे वहां पे नहीं बुलाते, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे? तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सम्मान की बात आ जाती है। और जब महाराष्ट्र का सम्मान दिखाने का समय आता है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडियोलॉजी से आने वाले लोग हैं, कुछ भी हो जाए हम दिल्ली के सामने नहीं झुकते, हम ताकत से ऐसे विचारों का प्रतिकार करते हैं और ताकत से हम प्रतिकार करेंगे। दुरुस्त बात है। और सुनने में तो ये भी आया है मुझसे, साहब पता नहीं इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सेना और अजीत दादा पवार, इन सब में काफ़ी मतभेद भी है। जिस प्रकार शिंदे साहब ने झरंगे पाटिल साहब का जो विषय है उसको हैंडल किया और जिस प्रकार वो आरक्षण वगैरह दिया गया उसको लेकर के अंदरूनी अंतर्कलह बहुत है कि भाई फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, ये ऐसा कहा गया, मुझे मालूम नहीं उन्होंने असल में कहा गया कहा है कि नहीं कहा है। और तीसरी चीज, झरंगे पाटिल साहब आज भी नाराज हैं, वो कहते हैं आरक्षण कहाँ मिला है। मोहसे साहब देखिए, एक चीज आपको इसमें क्लियर समझनी पड़ेगी जी, कि मराठा कम्युनिटी को सबसे पहले आरक्षण देने का अगर किसी ने प्रयास किया, काम किया, तो वो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी जिसके चीफ मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चव्हाण साहब, उन्होंने 16% आरक्षण देने का कहीं ना कहीं काम किया, तो वो किसी कारण से लीगली स्टैंड नहीं हो पाया। इसलिए फडणवीस जी की सरकार जब नेक्स्ट टाइम में आई तो फडणवीस जी ने वही आरक्षण 16% से लेकर 13% पे लाने का काम किया। 13% पे आरक्षण लाने के बाद में जब कानूनन लड़ाई चली, हाईकोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो उस आरक्षण के विरोध में खड़ा कौन होता है? तो उस आरक्षण के विरोध में एक गुणरत्न सदावर्ते नाम के एक एडवोकेट है, उनकी वाइफ के नाम पे एक पिटिशन फाइल की जाती है जयश्री पाटिल जी के नाम पे, वो स्पॉन्सर्ड फाइनेंस और एजुकेटेड बाय मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, ऐसा सदावर्ते फैमिली का कहना है, हमारा कहना नहीं है। उनका कहना है कि वो हमारे गॉडफादर है, उनका कहना है कि हम उनके इशारों पे चलते हैं, उनका कहना है कि हम उनके विचारों पे चलते हैं, आदर्शों पे चलते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम लोग काम करते हैं। 13% आरक्षण दिया फडणवीस जी ने और उनके ही जो शिष्य है उन्होंने जाके वहां पे विरोध करने का काम किया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण 13% का आरक्षण हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया। रूल आउट करने के बाद में शिंदे गवर्नमेंट ने वही आरक्षण अभी 16% से 13% 13% से 10% पे लेके आए। 10% से लाने के बाद में यदि आप लोगों ने आरक्षण दे दिया, सारे विधायकों ने, सभी पार्टी ने अगर एकमत उसमें कर दिया है कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनानिमसली हम लोग इसको पास कर देते, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन रही थी कि कहीं ना कहीं पे जितने भी लोग हैं उनको आप खास सर्टिफिकेट बांटना चालू करो। लेकिन गवर्नमेंट भी ये जानती है कि ये आरक्षण भविष्य काल में टिकने वाला नहीं है, और अगर नहीं टिकेगा तो हम लोग क्यों मराठा कम्युनिटी को आरक्षण के सर्टिफिकेट, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देने के। और इसीलिए मराठा कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी नाराजगी है कि आप लोग झूठे आश्वासन, झूठे वादे, झूठे कानून क्यों बना रहे हैं? यदि आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो
का आप लोगों को हम लोगों को क्लियरली बताना चाहिए, और देश का हर बच्चा इतना तो ये आज के युग में नॉलेजेबल हो गया कि वो जानता है कि राज्य के हाथ में आरक्षण देना नहीं है, ये केंद्र के हाथ में, पार्लियामेंट में इसका रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को ये अपना आरक्षण का स्लैब बढ़ाना पड़ेगा, और स्लैब बढ़ाने के बाद में गरीबों में मराठा कम्युनिटी को लेकर उनको कहीं ना कहीं आरक्षण देना पड़ेगा। केवल नरेंद्र मोदी जी को इसकी तकलीफ ना हो, इसलिए मराठा समाज को जिस प्रकार से फंसाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उस बात का बुरा लग रहा है मराठा कम्युनिटी को, और उस बात का निश्चित रूप से वोटों में भी परिवर्तन होगा, शिंदे सरकार को भी इसका फटका पड़ेगा, अजीत दादा को भी इसका फटका पड़ेगा, और देवेंद्र फडणवीस जी को भी इसका नुकसान होगा। ये लेकिन ये तो इनको मालूम होगा ही ना सर, मुझसे साहब इनको इनको ये अब ये आप जैसे आपने अभी विश्लेषण किया, कोई भी इसका विश्लेषण कर सकता है कि भाई ये क्या है, क्योंकि विधानसभा के पास तो ये हक ही नहीं है, विधानसभा के हक के दायरे में नहीं आता है। तो अब जो मराठा समाज है, क्या उस कागज को जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वर्थ कुछ नहीं है उसका, उसको लेकर के क्या उनमें गुस्सा नहीं होगा, क्या वो जाकर के आगे जब चुनाव होंगे क्या इन्हीं लोगों को वोट देंगे इसके बावजूद? भोसले साहब देखिए, पहले तो जरांगे पाटिल साहब को, मनोज जरांगे पाटिल जी जो बार बार मराठा आरक्षण का विषय बड़े ताकत से, बड़े जोर से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लेके जाने का काम कर रहे, उनको बढ़ावा देने का काम निश्चित रूप से शिंदे साहब कर रहे थे। शिंदे साहब ही उनको बता रहे थे कि हम आरक्षण देंगे। आरक्षण देने के बाद में शिंदे साहब ही एक बार नाना पाटोले जी जो कांग्रेस के चेयरमैन है महाराष्ट्र के, उनसे डिस्कस कर रहे थे, और कुछ प्रेस वालों ने वो क्लिप रिकॉर्ड कर ली, उसमें कहते हैं कि अभी बहुत हो गया उसका, अभी उसका कार्यक्रम करना पड़ेगा। कार्यक्रम करना पड़ेगा मतलब यार तुम अपने दिल में उसके लिए इतनी घृणा, इतना क्रोध, इतना गुस्सा रख के यदि किसी व्यक्तिमत्व के बारे में या किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप ऐसी सोच रख रहे हो तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए शोभा देने लायक नहीं है। और इसी का अंदाज आ जाता है कि अभी जरांगे पाटिल का मराठा आरक्षण का विषय ये कहीं ना कहीं हमारे सर के ऊपर चढ़ गया, पानी नाक के ऊपर आ गया है, या तो ये विषय कम करो या तो ये जरांगे पाटिल को ही कम कर दो। जिस प्रकार से जरांगे पाटिल जी बोल रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, पहले तो हमको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब से हमने वो सीएम साहब का स्टेटमेंट सुना है कि अभी इसका कार्यक्रम करने का समय आ गया है, तो हमें भी अभी जरांगे पाटिल साहब की हेल्थ के बारे में हो या बाकी किसी चीज के बारे में, जरांगे पाटिल के बारे में कंसर्न चालू। तो जरांगे पाटिल जी को इस्तेमाल किया गया है, कहने का मतलब ये हुआ? निश्चित रूप से उनको इस्तेमाल किया गया है। बाकी के सारे विषय डाइवर्ट करने बहुत जरूरी थे, प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ना करे, महिला अत्याचार की कोई बात ना करे, लगभग हर रोज कम से कम 15 से 25 महिलाएं रोज किडनैप हो रही है, उनका विनय भंग हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, कई लोगों पे रेप हो रहा है, वो सारे विषय हम लोग छोड़ दिए ना। एग्रीकल्चरल कंडीशन अगर आप देखोगे तो पिछले साल हमारे यहाँ पे ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ा, अभी ग्रामीण महाराष्ट्र की कंडीशन ऐसी है, देश की कंडीशन ऐसी है कि बारिश ठीक से न होने के कारण आने वाले मई जून तक जो पानी पिछले साल बचा हुआ था वो हम लोग को चलेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं। उसके बाद आप लोग ड्रॉट ये डिक्लेयर करने वाले हो क्या? यदि सूखा डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए मशीनरी कैसे निर्माण करोगे? इस पे कोई भी चर्चा ना हो और ये सारे विषय यदि डाइवर्ट करने हैं तो कोई ना कोई जरांगे पाटिल हमको बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए जरांगे पाटिल साहब जैसे एक अच्छे व्यक्तिमत्व को गुमराह करके मराठा समाज को गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं सरकार ने किया, ऐसा हमारा कहना है। As you know, has एकनाथ शिंदे जी become a giant मराठा लीडर? बिकॉज प्रकाश अंबेडकर जी जो आप ही के युति के, उनका कहना था कि लुक आफ्टर ऑल दिस एजिटेशन के बाद ऐसा सामने दिखता है कि एकनाथ शिंदे हैज ग्रोन हिज स्टेचर एज अ ह्यूज एंड बिग मराठा लीडर टू सच एन इफेक्ट दैट ही हैज ग्रोन टॉलर देन शरद पवार साहब, हु वाज ऑलवेज कंसीडर्ड अ मराठा लीडर, भोसले साहब। तो कैसे, बट जो आफ्टर ऑल दिस एज वी आर ऑलवेज टॉकिंग, ये पूरे बिल के बाद ऐसा दिख रहा है, भुजबल साहब कह रहे हैं ना मराठा खुश है ना ओबीसी खुश है, तो उनका ही कहना कि ये ओबीसी मराठाओं का फसवणूक है या ओबीसी का ओबीसी पर अन्याय है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? एक हैज एकनाथ शिंदे जी स्टेचर एज अ मराठा लीडर ग्रोन मच बिगर देन शरद पवार साहब, भोसले साहब, हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ अंबेडकर जी? देखिए, हर समाज में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में एक लीडरशिप क्रिएट होती रहती है। तो यदि पवार साहब से बड़े कर, ये पवार साहब से बड़ा कद किसी का होगा नहीं होगा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यदि पवार साहब के बाद में कोई कम्युनिटी में अपना कद बड़ा करके समाज की लीडरशिप करना चाहे
उसमें गलत है ऐसा हमको कुछ लगता नहीं, डेमोक्रेसी में रहते हम लोग। लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी को अपने आप को लीडर कहते हो तो उनका भला चाहना, उनको गुमराह न करना, उनकी उनको न फंसाना और उनको कानूनन तरीके से सही उनके अधिकारों को लेके देना, ये एक नेता की पहचान होनी चाहिए या उनका कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से शिंदे साहब का काम देख रहे हैं हम लोग, 16% का आरक्षण जो पृथ्वीराज चौहान जी ने दिया था उसको 13% पे रूल डाउन किया फडणवीस जी ने, वो 16% पे लेके जाते तो ये शायद मराठा कम्युनिटी के बड़े नेता बन जाते थे। लेकिन वो 13% से भी नीचे लेके आ रहे 10% पे। अच्छा 10% पे लेके आ रहे और इतने बड़े डिसीशन के बाद में आप पूरे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति मत्व को भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं इश्यू कर रहे हैं, तो इससे शिंदे साहब का कद बढ़ा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है इससे शिंदे साहब का कैरेक्टर लोगों में समझ में आया, ये मराठा समाज को फंसाने वाला नेता तैयार हो रहा है। 54 लाख नोंदनीकरण जो बोल रहे हैं बार बार शिंदे साहब बोलते हैं, एकनाथ शिंदे जी बोल रहे की 54 लाख से ऊपर नोंदनीकरण हो गया और उनके फैमिली को पकड़ेंगे तो 3-4 पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3-4 इट गोज टू मोर देन 1.5 करोड़। तो ये क्या गिनती है, यू नो भोसले साहब ये समझना चाहते हैं कि ये 54 लाख नोंदनीकरण ये 2-3 महीने में कैसे हो गया। और दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, जलांगे पाटिल जी भी बोल रहे हैं हाँ नोंदनीकरण हो गए, शिंदे साहब भी बोल रहे हैं नोंदनीकरण हो गए, तो इतना मैसिव एक आउटरीच कैसे हो गया कुनबी मराठाओं में? देखिए हमको तो आज भी लगता है कि जो ये फिगर लेके आने का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काम कर रहा है, ये फेक फिगर है, ये गुब्बारे वाला फिगर है, सिर्फ गुब्बारा फुगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे हम लोग विश्वास भी कर ले कि 54 लाख ये लोगों ने मराठा लोगों का कहीं ना कहीं या खुद भी समाज में मराठा लोग जिनको लेना है वो भी ये रिजर्वेशन कैटेगरी में उनकी नोंद या उनके रिकग्निशन हो गई है, तो 54 लाख छोड़ दो भाई, 54 लाख छोड़ दो, कम से कम 1 लाख लोगों को तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बांट दो भैया। रोका किसने है? हम लोग सिग्नेचर नहीं करने वाले, आपके आदेश पे कलेक्टर सिग्नेचर करने वाले। लेट देम डू द सिग्नेचर, लेट देम गो अहेड बॉस, 54 लाख करो ही मत, शुरुआत 1 लाख से करो। 1 लाख क्या करोगे तो कम से कम 30-40 जिलों में आप 1000-1000 से शुरुआत कर दो, 10-10000 लोगों को दे दो शुरुआत। हैंग ऑन अ मिनट, लेट मी अंडरस्टैंड दिस भोसले साहब, व्हाट यू आर सेइंग इज भोसले साहब, चलिए 54 लाख का फिगर हो सकता है बिल्कुल ठीक हो कि कुनबी सर्टिफिकेट मिल गए, आदिलशाही वक्त के ये कुनबी सर्टिफिकेट थे, ये थे वगैरह वगैरह, हो गया। व्हाट यू आर सेइंग इज, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, अगर मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी असेंबली में जो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद एक भी कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? यस 100%। यदि होता तो जरांगे पाटिल साहब हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं करते, राइट? उनकी लड़ाई वही चल रही है जी। यार आप रेजोल्यूशन रह रहे हो, आप जीआर लेके आ रहे हो, फिर कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो? बांट दो ना, कानून बनने के बाद आपके हाथों में हथकड़ी लगाई किसने? इसका एक ही मतलब है, या तो कानून गलत है या तो आप झूठे हो, दोनों में से क्या चीज है वो फडणवीस साहब, शिंदे साहब और दादा एक साथ बता सकते हैं। तो दोनों को एक साथ ही मिलना पड़ेगा सर, तीनों को। तीनों को या बाय द वे, अच्छा एक मिस्ट्री जरा सॉल्व कीजिए प्रदीप जी, सॉरी एक मिस्ट्री जरा सॉल्व कीजिए, इस विषय के बारे में अजीत दादा कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने उनको बोलते हुए कभी देखा नहीं है, अजीत दादा पवार को इस विषय के बारे में, मराठा आरक्षण के बारे में, जरंगे पाटिल के बारे में कुछ ज्यादा बोलते हुए कभी देखा नहीं है, इनफैक्ट देखा ही नहीं। भोसले साहब, अजीत दादा एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ रखने वाला नेता है, उनको कानून समझता है, कई सालों से वो मंत्रालय में रह चुके हैं डीसीएम के तौर पे, बाकी के मिनिस्टर के तौर पे, उनको ये क्लियर कट समझ रहा है कि एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं बीजेपी या फडणवीस जी कहीं ना कहीं उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। और मराठा कम्युनिटी का जो इमेज है अजीत दादा का, वो अपना इमेज दादा खराब नहीं करना चाहता। कारण उसका ये है कि दादा भी ये जानते हैं कि शायद लोकसभा होने के बाद में ये टिश्यू पेपर जैसा मुझे उठा के बाहर फेंक सकते हैं, तो मेरे साथ कम से कम मेरे घर के लोग, मेरे कम्युनिटी के लोग रहे, इसलिए दादा मराठा कम्युनिटी के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनल यहां से जान पड़ता है। भोसले साहब, सुप्रिया सुले जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि यू इलेक्ट मी ऑन मेरिट, मुझे आप चुनते हो तो मेरिट पर चुनिए, मेरे काम देखकर चुनिए, यूनियन में जो काम किया, सेंटर में जो काम किया, सब मंत्री पद हर डिपार्टमेंट से समन्वय जिस प्रकार से था, मैं जिस प्रकार से, यू ऑन मेरिट यू सेलेक्ट मी, मुझे
मुझे किसी और के यानी मेरे हस्बैंड सदानंद सुले जी जाके वोट नहीं मांगते ना, एक आलोचना जिस प्रकार से किया, उसके बाद सामने से रिएक्शन आया, सुनील तटकर जी बोले कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुनीता पवार जी ने बहुत काम किया है, सामाजिक काम किया है, और ऐसे टिप्पणी को हम लोग इतना लाइटली ले लेंगे, तो हाउ डू यू सी दैट, हैज इट गॉन वेरी वेल इन बारामती? ये हकीकत जो बयान किया सुप्रिया सुले जी ने कि आई एम वोट मी ऑन मेरिट, भोसले साहब निश्चित रूप से हमको तो अच्छा लगा कि सुप्रिया ताई अपने काम के जोर पे वोट मांग रही है, अपने पति का चेहरा दिखा के वोट नहीं मांग रही। हम सुनेत्रा ताई को कई दिनों से पहचानते, कई सालों से पहचानते, हमारी घर की महिला, हमारी माता है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति में सुप्रिया ताई का योगदान है, डेडिकेटेडली वो काम करती है, अपने परिवार को छोड़ के काम करती है, बारामती के विकास के लिए काम करती है, राष्ट्र के विकास के लिए काम करती है, उतना समय बारामती में कभी भी सुनेत्रा ताई ने दिया नहीं है, ये हर कोई महाराष्ट्र का नागरिक जानता है। इसलिए मुझे भी लगता है कि अजीत दादा को थोड़ा सा एक बार और सोचना चाहिए और अपनी बीवी को सुप्रिया ताई के आगे खड़ा करके अपने परिवार के सदस्य को बकरा बनाना, ये मुझे लगता है एक अच्छे पॉलिटिशियन के लक्षण नहीं है। दादा ने अपने वाइफ को, हमारी माता है, माता जैसी हो, उनको बकरा बनाना नहीं चाहिए, उनको कोई और कैंडिडेट देना चाहिए या वो पार्टी का सीट छोड़ देना चाहिए। पवार साहब के प्यार करने वाले लोग है, सुप्रिया ताई के काम को देखने वाले लोग है, और वो बिल्कुल भी सुप्रिया ताई के खिलाफ नहीं जाएगी। सुप्रिया ताई इस बार भी थंपिंग मैच्योरिटी से जीत जाएगी। क्या बात है ना भोसले साहब, दूसरा ये है कि व्हेन यू गॉट द सिंबल, पवार साहब को जो सिंबल मिला तुतारी, तो आप लोग ने सेलिब्रेशन किया जबरदस्त, एक रायगढ़ फोर्ट में प्रोग्राम रखा गया, पवार साहब खुद गए वहां पर, शरद पवार साहब ने टोटल इंटरेस्ट लेके उस तुतारी सिंबल का प्रोपगेशन पूरे दुनिया देखा, पूरे महाराष्ट्र का, पूरा देश देखा, मगर कुछ पार्टियों का आलोचना चालू हो गया कि शरद पवार जी देखो आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाना पड़ा उनको, पहले कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के जिक्र नहीं करते थे, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर में वहां पर जो उनको वंदन करने नहीं गए थे, तो अलग अलग विचार राज ठाकरे जी से लेके अलग अलग सब लोग ने बोले, राज ठाकरे जी बोले कि मैं खुद पवार साहब को एक अपने ही उनके ही कार्यक्रम में पूछा तो आप ये सब नहीं करते, तो ये आप कैसे देखते हो, क्या मुस्लिम अपीसमेंट पहले शरद पवार साहब के दिमाग में था, बिकॉज आप सबको बहुत करीब से देखे हो, क्या मुस्लिम अपीसमेंट के लिए शिवाजी महाराज जी के जो वंदन नहीं करते थे, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो भोसले साहब? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है ऐसा हमको लगता नहीं। महाराष्ट्र का आराध्य दैवत हम उनको कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य दैवत, मतलब इज माइटी गॉडस गॉड फॉर अस एज महाराष्ट्र लोकल आइड और महाराष्ट्र पीपल, हम लोग उनको भगवान के तौर पे देखते हैं। और कोई भी नई चीज की शुरुआत, एक इंडिया में ऐसा कल्चर है कि भगवान के सामने रखी की जाती है, हम लोग अपने घर में किसी के शादी हो तो वेडिंग का कार्ड भी भगवान के पैरों में अर्पण करते, बाद में लोगों को बांटना चालू करते। तो यार हम लोग जंग के लिए जा रहे हैं, जंग के लिए सिंबल हमको नसीब से, हम लोगों ने जो मांगा था वो तो मिला नहीं, लेकिन जो सिंबल भी ऐसा मिला कि जो जंग की शुरुआत करने वाला है, मतलब तुतारी वाला सिंबल है, जब इतना अच्छा सिंबल मिला है तो महाराज को तुतारी बजा के हम लोग उनके पैरों में वो कदमों में रख के रिकने के लिए सिंबल गए थे। और पवार साहब ने अगर अपने सिंबल का प्रसिद्धि किया तो उसमें मुझे गैर कुछ लगता है। तो भोसले साहब राजनीति की जी, भोसले साहब आपको क्या लगता है, चलते चलते ये भी बताते जाए कि 48 सीटों में से एमबीए को कितनी सीटें मिलेंगी? सर मेरा अंदाजा लगभग 35 प्लस जानी चाहिए। 35 प्लस, राइट, 35 प्लस आउट ऑफ 48, सो विच मीन्स the BJP will come down from 23 to 10 or 12. Maybe, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हमेशा सच के साथ रहने वाली जनता है। इसको महाराष्ट्र की जनता को जब जब ऐसा जान पड़ा है कि कोई ना कोई दिल्ली की ताकत हमारे पे आके आक्रमण करने का काम करती है, तो महाराष्ट्र का स्वाभिमान जाग जाता है और हम डर के दहशत के आगे जाके काम करते हैं। आज भी हमारे कई सारे बिजनेसमैन लोग हैं या कई लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आप लोग भाई हमारे साथ हमसे तक गलती क्या हुई है कि आप लोग प्रो बीजेपी हो, बोले कल तक जो था वो था, लेकिन इस बार अगर हम लोग को ऐसे ही दबाने का काम किया जाएगा, एक एक बिजनेसमैन को ईडी उठाएगी, इनकम टैक्स उठाएगी, या तो फंड दो या तो बीजेपी में आओ, ऐसा हमको डरा धमकाने का काम करेगी, नेताओं को ऐसा करेगी, तो हम लोग वो दबाव में दबने वाले नहीं है। केवल हमारी अड़चन ये है कि हम अगर बोल के दिखाएंगे तो शायद चुनाव के पहले जेल में चले जाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अपना वोटिंग का अधिकार बड़े ताकत से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत अगर कोई करेगा तो महाराष्ट्र का राज्य रहेगा।
क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच भोसले साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, नाइस टॉकिंग टू यू, नमस्कार सर, जय भवानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार. सो मिस्टर भोसले वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट द एमबीए इज गोना विन एटलीस्ट 35 सीट्स. यस, आई एम श्योर द नेक्स्ट गेस्ट विल प्रोबब्ली से एमबीए इज गोना विन 45 सीट्स. यस यस, आवर फ्रेंड मिस्टर निजामुद्दीन रहीम. यस निजाम साहब, नमस्कार.